साहिब। जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। ये दिव्य शक्तियाँ हर एक मानव के अंदर पंच स्थानों पर विद्यमान हैं। इनको जगाना इसके लिए बहुत ही काफ़ी सहिष्णु विषय है। इसके लिए हमें पूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, पूर्ण गुरु के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। ऋषि मुनियों ने इन शक्तियों को पाया। मैंने इसका उल्लेख कई बार कहा है, हर एक मानव के अंदर 6 शरीर हैं। ये स्वप्नवत नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान ये बॉडी में भरे पड़े हैं, और जब भी जिस शरीर में जाते हैं तो हमारी स्थिति बदल जाती है। उदाहरण के लिए अभी आप इस चैतन्य अवस्था में बैठे हैं तो आप स्थूल ब्रह्म जगत का अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल सच्चा लग रहा है। आप ही जब स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं स्वप्न लोक में, तो स्वप्न लोक की हर एक वस्तु आपको नित्य सत्य आभासित होती है। ये था शरीर का खेल, उसके अंदर का स्नायु उसका संरचना ऐसी थी, शरीर की यह संरचना ऐसी है कि आपको ये संसार सत्य लग रहा है। वह ये बॉडी का खेल है, ये इस शरीर का खेल है। पर नानक देव जी कह रहे हैं, भाई जो अभी आप देख रहे हैं ये सपने हैं, ये भी वास्तविक नहीं है। जो आप इस अवस्था में अनुभव कर रहे हैं ये भी सपने हैं। जो सपना पेगणा जग रचना तिम जान, इसमें कस साचो नहीं नानक साची मान, पर ये अभी यथार्थ अनुभव हो रहा है। ठीक वैसे ही स्वप्न का दृष्टा, स्वप्न को देखने वाला जितनी देर स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न यथार्थ प्रतीत होता है। क्यों? ये थी अवस्था, ये गुण है अवस्था का। पर जब जाग जाता है उसे आभास होता है वो महज एक स्वप्न था, स्वप्न में प्राप्त की हुई वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। पर इसका ज्ञान हम जब जागृत में आते हैं तब हमें होता है। इसी तरह जो वर्तमान अवस्था है ये भी स्वप्न है। नानक साहब जी भी अपनी वाणी में कह रहे हैं, जगत है रैन का सपना, ये स्वप्न सदृश है। योगावशिष्ठ महारामायण में भी वशिष्ठ मुनि ने संसार को स्वप्नवत कहा। ऐसा ही नहीं, क्योंकि अवस्थाओं का खेल है और आदमी इन अवस्थाओं को नहीं जान रहा है। जब तक आप इस अवस्था में रहेंगे दुनिया पक्का सच्ची लगेगी, चाहे कितनी भी अकल लड़ाओगे कितनी भी ताकत लगाओगे, झूठी दुनिया है झूठी दुनिया है ये आप धारणा नहीं बना पाएंगे, ये निश्चय नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऊंची अवस्थाओं में पहुँच जाएंगे, प्रज्ञा में पहुँच जाएंगे, तो संसार की असारता का बोध हो जाएगा। दिमाग में कितना धोखा है इसका बोध आपको इस अवस्था में नहीं हो सकता। चेतन अवस्था में कितना छल कपट है, कितना धोखा है, इसका बोध आपको इस अवस्था में नहीं हो सकता है। स्वप्न अवस्था जैसे भ्रमांक है, इसका बोध जागृति में होता है। इसी तरह इस अवस्था में जो अज्ञान है इसका बोध आपको इस अवस्था में कभी भी नहीं मिलेगा। आप तुरिया में पहुंच जाएंगे तो इसका बोध होगा। सुसुप्ति स्वप्न जागृत तुरिया तुरियातीत ताहे के पारा विनती करता है दास तुम्हारा। 6 शरीर पर इन 6 शरीरों का उल्लेख बहुत कम जगहों पर मिलता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान 6 देहियां ये हैं। जब भी आप जिस शरीर में जाओगे वो सच्चा लगेगा। जो स्थूल शरीर है इसमें आप बैठे हैं अभी, इससे ये दुनिया देख रहे हैं, मायावी संसार सब कुछ नित्य लग रहा है। सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति स्वप्न अवस्था में होती है। आप स्वप्न में एक शरीर में चले जाते हैं, सब चीजें नित्य लगती हैं।
और तब तक नित्य लगती है जब तक आप उस शरीर में। कमाल ये है कि आप स्थूल से निकलकर सूक्ष्म में प्रवेश ले लिया, आपको पता नहीं है थ्योरी किस तरह से मैं इसमें से उठ करके लिफ्ट होकर उसमें इंसेक्ट हुआ, आप नहीं जानते हैं। जीवन में आप बहुत सोए और अनंत बार अगणित बार आप इस देह से निकलकर उसमें प्रविष्ट हुए। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि किस तरीके से आप गए आपको नहीं मालूम है, उस समय एक जीरो अवस्था बनती है। ये कैसे जाता है इंसान, ध्यान दीजिएगा, जब भी इंसान सोता है सोने के टाइम पर उससे पहले आंख बंद करता है, थोड़ा चिंतन करता है, एक जीरो अवस्था आती है पल भर के लिए, और निद्रा का एक झोंका होता है। इस अवस्था से आप यूँ होता सोने वाला धीरे यूँ होता ऐसे होता है, आप इससे निकलकर उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। बस आपको इसकी सुध बिल्कुल नहीं रहती है। कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी ठम, दोनों अवस्थाओं में बड़ा डिफरेंस है। कभी कभी मनुष्य जागृत में भी स्वप्न में चला जाता है, पर वो जागृत उस समय गौण हो जाती है। अब साधक निद्रावस्था में, क्या निद्रावस्था ब्रह्मांक है, थोड़ा उस शरीर में बैठकर तो देखो, नींद निद्रावस्था में जो चीज़ें प्राप्त हुई उस समय सच्ची लग रही है, उतना ही सुख किसी वस्तु की प्राप्ति पर होता है निद्रावस्था में भी जितना कि जागृत अवस्था में। राज्य की प्राप्ति पर जैसा आपको सुख मिले, उदाहरण के लिए आपको लॉटरी मिल गई 10 लाख की, आपको इस अवस्था में बहुत सुख मिलता है, इतना ही सुख स्वप्न अवस्था में भी मिलता है। अगर सपने में लॉटरी खुली तो सुख का पैमाना उतना ही है, स्केल उतनी है, उतना ही सुख मिलेगा। जागृत अवस्था में अगर किसी को फांसी मिली तो वो दुखी हो जाता है, स्वप्न अवस्था में भी अगर फांसी मिली तो उतने ही लेवल का दुख प्राप्त होता है जितनी लेवल का जागृत में। तो सोचे ये कितना कमाल है, आदमी को यह भी नहीं पता चल पाया, स्वप्न अवस्था में चला जाता, देखो सूक्ष्म शरीर, कमाल है ये, बहुत बड़ा ये अवस्था और शरीर का खेल है, आप इसमें से निकलते चले जाते हैं। कमाल ये है, निकलते एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप कैसे निकल गए आपको पता नहीं है। उस समय आपका कंप्लीट कॉन्शियस बदल जाता है, क्योंकि वो आकाश वो सूक्ष्म तत्वों की बनी हुई देही है, ये स्थूल की है। देवत्व भी इसी शरीर में रहता है पर वो स्वप्न में नहीं है, पितृलोक में भी सब लोग रहते हैं। आपने कई बार सीरियलों में देखा होगा पितृलोक से पितृलोक आते हैं, बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही खाका होगा, लेकिन ब्लड नहीं होता है, बोन्स नहीं होती है, पर बातचीत भी करेंगे, सब चीज़ वैसी। कितना बड़ा कौतुक है, वो बहुत महत्वपूर्ण शरीर है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण शरीर है। आप सपने में देखते हैं सभी तो काम कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ लेते हैं, प्रेम भी कर लेते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं, सभी चीज़ें तो जो जागृत अवस्था में आप कर रहे हैं उस अवस्था में तो वो सभी काम कर रहे हैं आप। लेकिन हाँ उसमें कभी कभी आप उड़ने लग जाते हैं जबकि आप इसमें नहीं उड़ सकते हैं, इसका मतलब उस देही में कुछ कुछ इससे अपनॉर्मलिटीज़ हैं, कुछ इस शरीर से एक्स्ट्रा भी हैं, कुछ कम भी हैं। तो अवस्थाएँ, तीसरा शरीर है कारण, ये कारण शरीर भी लाजवाब है, अत्यंत कंसंट्रेट होने पर इस कारण शरीर की प्राप्ति होती है। उसकी खूबी क्या है, बड़ी लाजवाब है, वो जागृत और स्वप्न की मध्यावस्थिति में है कारण शरीर, स्वप्न वाले देही में नहीं है, जागृत में भी नहीं है। इतने खो जाते हैं आप, आपको जागृत अवस्था का भी पता नहीं चलता है। कभी कभी आप देखते हैं कोई आपको आके कहता है कहाँ खो गए भैया, कहाँ है ध्यान, कुछ चीज़ें हम सब बोल रहे हैं पर बिल्कुल ठीक तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप सूक्ष्म शरीर में चले गए, अब आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा बाहरी दुनिया का, आप बैठे होंगे क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, कौन क्या बात कर रहा है आपको पता नहीं चलता है। यह है कारण शरीर, और महाकारण शरीर, महाकारण शरीर में पहुंच गए पूरा फ्यूचर दिखेगा, रेल की तरह दिखेगा। कभी कभी ये चीज़ें आपकी में आती हैं, क्या होने वाला है आपको अंदाज मिल जाता है पहले, कोई कभी कभी यूँ होता है कोई आने वाला है आपको उसका पहले ख्याल आ जाता है, ये वो शरीर है महाकारण शरीर। हमारे ऋषि मुनि इस बॉडी में बैठना जानते थे, ये कला थी। जैसे आप देखते हैं ना आजकल लोग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो गई है, मेडिकल साइंस में भी इसका महत्व हो गया है, हवाई जहाज में, अंतरिक्ष में, आप देख नहीं ना इनसे 2B में,
ऐसे ऐसे कैमरे लॉन्च किए, ऐसे कंप्यूटर भेजे जो मौसम का समाचार भी बता रहे हैं, खनिज पदार्थों की भी जानकारी दे रहे हैं। देखा कितना सिस्टम है कंप्यूटराइज युग में, हम कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, हर जगह इसका महात्म बढ़ गया है। इसी तरह जाकर पूछते हैं कि महाराज ऐसे ऐसा है, देखिए कंप्यूटर बता देता है कहाँ क्या चीज़ है। अगर आपको बॉम्बे से किसी फ्लाइट को लेना है ब्रिटेन के लिए, इंग्लैंड के लिए, तो वो आपको पूरी कंडीशन बता देता है। आजकल तो यूँ है, अगर आपने टैक्स के लिए भी आपका नंबर फीड कर देते हैं वो वहाँ पर भी, और आपने नहीं पेड किया डिफ़ॉल्ट आ जाता है और दोबारा आप जाते हैं वो पकड़ लेते हैं। कहीं कहीं आप टोल टैक्स पोस्टों पर आप देखते हैं कोई गाड़ी अगर विदाउट टोल टैक्स पेड किए हुए गई, दोबारा जब वो नंबर आ जाता है वो डिफ़ॉल्ट में आकर के पकड़ लेता है। आदमी की इतनी मेमोरी नहीं होती, आदमी के पास खैर मेमोरी की क्षमता काफ़ी है, 2 खरब बातें एट ए टाइम याद रख कर सकता है आदमी की तुलना वैसे कंप्यूटर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन तो भी भौतिक में हम देखते हैं तो कंप्यूटराइज युग में बहुत सी उपलब्धियां भी हुई है। तो महापुरुषों के पास लोग जाकर पूछते थे, महाराज हमें ये बताओ ये काम करना है, थोड़ा आप देख कर बताओ ये काम ठीक होगा या नहीं, देख कर कैसा बताए। अब यहाँ विचार आइए, हमारे सबके अंदर एक धारणा है, हम उनसे क्या करें, आप थोड़ा अंदर से देख कर बताओ। इसका मतलब है हम सबकी यह धारणा है कि कुछ अंदर में सिस्टम है, ये जानते हैं देखना, ये जानते हैं देखना, आप देखकर बताओ, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं पर आपके पास ये दृष्टि है, अंदर की निगाह से देखकर बताओ ये काम कर रहे हैं शुभ होगा या नहीं, आज्ञा लेने भी जाते हैं। कभी कभी आप भी गुरुजनों से आकर के आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेते हैं कि महाराज ये काम करूं। यह है महाकारण शरीर, बड़ी क्षमता है इसके अंदर, बड़ा ज्ञान है, अभी से 1000 गुना ज़्यादा ज्ञान उस अवस्था में उस शरीर में है। ये शरीर प्राप्त होते हैं, सूत्र हैं कुछ, सभी ऐसे अपवाद नहीं, ऐसी झूठी बातें नहीं हैं, इस पर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। जब मैंने 2-4 दिन पहले ये बात पढ़ी कि शरीर से निकल करके भी यात्राएं हो सकती है, विज्ञान ने स्वीकार किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपको ध्यान, 5 साल मैंने कहा था 5 साल बाद वैज्ञानिक लोग इस तथ्य को मानने लगेंगे, देखा वो अभी भी आ गया, आप देखते चलिए। मुझे मालूम है कि मनुष्य का विकास कहाँ किस सीमा तक होना है, इस तरह आप पूरा भविष्य देख सकते हैं। सब चीज उस महाकाल शरीर में ये ताकत है, तभी तो साहिब वाणी में कह रहे हैं सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल। ये क्षमता सबके अंदर भरी पड़ी है प्रकृति की ओर से, इसलिए हमारे ऋषि मुनि इसमें काफ़ी एडवांस थे, अभी धीरे धीरे ये लुप्त होती जा रही है। आदमी थोड़ा बाहर मुखी हो गया, मटेरियलिज्म में ज़्यादा उलझ गया, भौतिकीय जगत में उलझ गया, लेकिन ये बात नहीं है कि ये चीज़ें खत्म हो गई है, अभी भी हैं। इसलिए हमारी आस्था हम सबकी अभी भी बरकरार है, अभी भी कोई ऐसी वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं हम, अभी भी कोई ऐसी बात होती है तो हम जल्दी पहुँच करके महात्मा से गुरुओं से पूछते हैं। यह महाकारण देही, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है, यह दूसरे तत्व की बनी हुई है, यह भी आकाश तत्व से सज्जित है। आप सोचें पितृलोक में आदमी पहुंचा, वहां से याद है मेरे बेटे हैं, मेरा घर माँ है, आपके पुरखे आ जाते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ विज्ञान थोड़ा बोना हो रहा है नहीं, कि हमारी जो मेमोरी की नाड़ियाँ हैं वो हमें याद दिलाती हैं। अब वहाँ पर तो नाड़ियाँ तो चिता में जल गई थी, तो उसको कैसे पता चल रहा है गुप्ता जी के दादा को कि साढ़ा पुत्र उधर गुप्ता बैठा हुआ है, काम कर रहा, थोड़ा विचार तो करो ना, बातों में तर्क है। इसका मतलब है कुछ सूक्ष्म है इस देही में, और सच ये है कि विज्ञान वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। विज्ञान को ये बात तो स्वीकार करनी है, और विज्ञान इस बात को स्वीकार कर रहा है। वैज्ञानिक नहीं कह रहे हम पीक पर हैं, वो कह रहे हैं हमें बहुत कुछ सीखना है, वो कह रहे हैं हमें बहुत कुछ ढूंढना है। अभी तक उन्होंने पराकाष्ठा या अंतिम विराम नहीं बोला है अपनी विज्ञान का, वो कह रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। और तो छोड़िए स्पेस का भी उनको कंप्लीट ज्ञान मिला ही नहीं है अभी तक, भौतिकीय में भी वो तो नई नई भी आते हैं, अभी तो कह रहे हैं एक आकाशगंगा नहीं है, करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। अभी वैज्ञानिक तो ये कह रहे हैं एक सूर्य का परिवार नहीं है सौरमंडल में, ऐसे करोड़ों सूर्य घूम रहे हैं, करोड़ों सूर्य के परिवार हैं, संभव है ऐसी और भी सृष्टियाँ हो। पहले तो वो कह रहे हैं एक ही सूर्य है इस सौरमंडल में, बाकी उसके 9 ग्रह हैं, अभी वो 10वां ग्रह भी बोल रहे हैं, और एक ग्रह का दर्जा भी छीन रहे वैज्ञानिक लोग। तो अभी तक उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी है। इस तरह ये बंदा, ये मानव, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहरी, शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए, कबीर काया अथाह है कोई बिरला जाने भेद।
पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आ गए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी अपना सिलसिला आगे रखा। लेकिन जैसे सौर जगत में न्यूटन का स्थान है, वाह बहुत, आज भी उसकी थ्योरी पर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो सब लोग मान। इसी तरह साहिब की थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उन्होंने पंच मुद्राओं से ऊपर जाकर के कुछ बोला ब्रह्मांड को, ठीक है, नई चीज़ दी है। पहले मैं पंच मुद्राओं पर, छह शरीरों पर बातचीत करूँगा, अवस्थाओं पर आपसे बातचीत करूँगा, बहुत रहस्य आपके शरीर में भरे पड़े हैं। संतों मोहे देख देख आवे हंसी, पानी में मीन मरे प्यासी, कह रहे मुझे हंसी आ रही है, मनुष्य अपनी क्षमताओं का प्रयोग ही नहीं कर रहा है और महापुरुष चेतावनी के शब्दों में बोल रहे हैं। देखो साहेब वाणी में कह रहे हैं, अबधु अंधा धुंधा अंधियारा इस गढ़ भीतर नौ लग तारे। आप सोचो तो सही, हमारा वेद भी कह रहे हैं यह पिंडे सब्रमंडे, और रामायण भी कह रहे हैं पग बादाल शीश अजधामा अपर लोक अंगम विश्रामा। आप देखें अगर महाभारत काल की तरफ जाते तो गीता में वासुदेव कृष्ण ने अपना पूरा स्ट्रक्चर दिखाया था, यानी यह क्षमता तुझमें भी है, पूरे ब्रह्मांड में। अर्जुन को भी दिखा दिया था ये पूरी रचना, यह सब रचना पिंड में जा रहा आपके अंदर है। इस गढ़ भीतर नौ लग तारे, इसी में सूरज चंदा, इस गढ़ भीतर हीरे मोती, इसी में परखनहारा, इस गढ़ भीतर कामधेन है कल्प वृक्ष न्यारा, इस गढ़ भीतर सात समुंदर, इसी में ठाकुर द्वारा, इस गढ़ भीतर हीरे मोती, इसी में परखनहारा, इस गढ़ भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। सबके अंदर रिद्धि सिद्धियाँ भी भरी पड़ी हैं, विशिष्ट लोगों में नहीं केवल। हम अगर भौतिक में भी देखते हैं तो प्रकृति का नियम हम सबके लिए एक जैसा है। हम सबको देखने के लिए दो दो आंखें दी है, सबको दो दो, किसी को चार पांच नहीं दिए, चलने के लिए पैर, समानता। बाहरी जगत में भी देखते हैं तो हम सब में समानता मिल रही है, इसी प्रकार आंतरिक जगत में भी हम सब में समानता है। ये तथ्य, ये शक्तियाँ हम सब में समान रूप में मौजूद हैं, ये सब चीज़ें हम सबके अंदर मौजूद हैं। भाइयों आगे कह रहे हैं, इस गढ़ भीतर तीन लोग हैं, इस गढ़ भीतर ब्रह्मा विष्णु, इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां भी काया के अंदर है। इस गढ़ भीतर देवी देवा, इसी में ठाकुर द्वारा, इस गढ़ भीतर काशी मथुरा, इसी में गढ़ गिरनारा, इस गढ़ भीतर कामधेनु है कल्प वृक्ष न्यारा, इस गढ़ भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा, इस गढ़ भीतर तीन लोक हैं, इसी में हैं करतारा। वाह भाई इसी में हैं करतारा, बड़ी सुपर टेक्नोलॉजी है स्पिरिचुअलिज्म की, ठीक है, साधारण नहीं है ये, बहुत बड़ा विज्ञान है। जहाँ भौतिक विज्ञान का एंड है वहीं से अध्यात्म विज्ञान की स्टार्ट है, ये बोना नहीं है, सो वाइड है। इसलिए आप विचार तो करें, नानक देव जी किसी स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़े, आज उन पर पीएचडी हो रही है, उनके पास कुछ था या नहीं था, पीएचडी हो रही है उन पर। कबीर साहब तो वाणी में साफ कह रहे हैं, मस्कागत में छुओ नहीं, तो क्या आप कबीर को अनपढ़ कहेंगे, कितने जागरूक कितने चेतन थे। इसका मतलब उन विराट शरीरों के अंदर प्रवेश लेने की उनमें क्षमता थी, उसी में बैठकर उन्होंने लाजवाब काम किए। यानी ये क्षमताएं अभी तक इंसान इसके नज़दीक नहीं पहुंचा है, विज्ञान नज़दीक नहीं पहुंचा है, ये सब चीज़ें हैं। आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ेगा, काफ़ी बढ़ेगा। जो आज की जनरेशन है आगे चलकर युगन कालांतर में ये बहुत पिछड़ी हुई कहलाएगी, कुछ ये क्रम है संसार सागर का। इसी तरह अगर हम योगा वशिष्ठ महारामायण के अंदर भी देखते हैं तो राम जी को वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम ये संपूर्ण विश्व तुम्हारे अंदर है, ये केवल तुम्हारे चित्त की कलना है, अपने चित्त का निरोध करो संसार का अस्तित्व भी मिट जाएगा। ये छोटी टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है, हम लोग शायद उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तू ले
सत्संगी, सत्संगी।